मुंगेर में कोतवाली थाना क्षेत्र के कटघर निवासी आरपीएफ जवान पंकज कुमार ने अपनी पत्नी साक्षी की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद को पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। इस संदर्भ में मृतका की मां सुभद्रा देवी की माने तो डेढ़ दो वर्ष पूर्व उनकी बेटी साक्षी की शादी पंकज से हुई थी। शादी के कुछ दिन तक रिश्ता सही चला, किंतु कुछ दिन बाद पंकज ने साक्षी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़के का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था। आज के कहलियो ना हमरा जानकारी कुछ ना दरकन ने भेट कर दरकन ने जानकारी देले जे हमरा पचावलन चार दिन से हमरा ने जानकारी हम फिटलो हम कोन हॉस्पिटल में होलो नहीं होलन कोई पौने ने कर लखन सब ने मिलेगा आइए जानकारी ने देखे तो लोग अच्छे ने घमोट लाके मैं ना हमरा की हो तो बेटी के बड़ी जोर मार खराब छन दीदी ये तो दौड़ लाओ मकई ना काना दना कौन कई बन कौन जी जन कौन लो पिटलो क्या कारण छे बाबू क्या कारण है आइए गो छन मम्मी छे अथी मरी गेल छे मसुमान ओकरा रोज साथम ओहो करे छे नरस हॉस्पिटल में आइयो हो जा छन अथी के थाना में अथी आरपीएफ के खान अथी पर अथी करे छे आरपीएफ दोनों साथ जाय छे या बोय छे ई कहानी त हम इतना नहीं जानै छी की कहानी छे। क्या लगता है आपकी बेटी की हत्या हुई है? हां एकदम झरकाय देने छे चलो ना खरी त ना देखियो मीडिया वाला चलो ना उ कौन झरकी गेल छे भोर के पांच भोर आ चला रस कौन सुभद्रा देवी क्या सुभद्रा देवी 2019 फिर से बताएं 10 नवंबर 2019 किन से हुआ था? पंकज पासवान। क्या करते हैं पंकज पासवान? आरपीएफ। कहाँ आरपीएफ है? जमालपुर में स्टेशन। अब क्या हुआ? अब मेरी झगड़ा होता है कोई किसी से बात तो नहीं करते मेरी मौसी को किसी से बात भी नहीं करने देते थे दो तीन दो साल से नहीं मिलने दिए किसी किसी से बात नहीं करने देते हम राम ने करने देते थे किसी से नहीं मौसी से बात करने देते बात करा दे हम लोग भी आए थे आज क्या हुआ आज की वाले वो हो ना मौसी को मार दिया कौन मार दिया मौसा पता नहीं मौसा ही मारे तीन बात को लेके मारा कुछ पता है बाबू नहीं कोई झगड़ा हुआ होता था क्या नहीं मौसा से कोई मौसी से झगड़ा नहीं क्या नाम है आपका अभी उसके जो मैके पक्ष द्वारा बताया जा रहा है मैके पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि ससुराल वालों के द्वारा हत्या की गई है जी। दो साल पहले शादी हुआ था दहेज उहेज की भी आरोप लगाया गया है दहेज की मांग की है एक बेटी हाँ तीन दिन बेटी हुई है जो अभी लाइफलाइन हॉस्पिटल में है शीशा में है नहीं अभी तो नहीं लेकिन गर्दन के पास निशान है निशान अभी जो प्रतीत हो रहा है मामला दर्ज कर लिया गया इस संदर्भ में मामला हाँ दर्ज किया आगे अनुसंधान हाँ आगे अनुसंधान।